जिनका क्या लाइफ में क्लियर नहीं होता, मतलब गोल ही नहीं होता कुछ नहीं, इसलिए उनकी लाइफ क्या होती है, गोल ही होती है, कुछ ज्यादा कर नहीं पाते लाइफ में, नॉर्मल एवरेज लाइफ जीके मर जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं, मतलब ऐसे ही जहां धक्का लग रहा है वहां जा रहे हैं, वैसे ही कि तैयारी कर रहे हैं किस चीज की, बस कर रहे हैं तैयारी, तो जो तैयारी कर रहा है उसका कोई कुछ नहीं होता नहीं, क्योंकि एक जगह उसका टारगेट फिक्स नहीं। आपको पता है ना, एक बार महाभारत का आपने किस्सा सुना होगा कि एक बार द्रोणाचार्य जी ने क्या किया, सभी शिष्यों को बुलाया, सभी शिष्यों को बुलाया, तो उसमें से अर्जुन भी थे, दुर्योधन भी थे, भीम भी थे, नकुल भी थे, सहदेव भी, सभी लोग थे। अब उन्होंने बुलाया और उनको क्या किया, एक पेड़ पे क्या कर दिया, एक चिड़िया रख दी, पत्थर की चिड़िया, मतलब उसकी लकड़ी की चिड़िया बना के रख दी, और बोला कि बेटा जा उस चिड़िया की आंख में निशाना लगाओ। तो सबको बुलाया, दुर्योधन को बुलाया, उन्होंने पूछा उनसे कि क्या दिख रहा है, कि मेरे को तो पूरा पेड़ दिख रहा है। अच्छा, पूरा पेड़ दिख रहा है, तो हट जाओ, रख दो धनुष, बैठ जाओ। अब दूसरे को बुलाया, दुर्योधन उसको युधिष्ठिर जी को, उनको बुलाया कि क्या दिख रहा है आपको, कि मेरे को तो टहनियां दिख रही है, पूरी चिड़िया दिख रही है, पीछे के बादल भी दिख रहे हैं। भीम को बुलाया, उन्होंने भी यही कहा कि मुझे तो अगल बगल सब कुछ दिख रहा है। ऐसे अर्जुन को बुलाया, अर्जुन को बुलाया और पूछा कि बेटा बता क्या दिख रहा है तेरे को, तो अर्जुन ने बोला कि सर मेरे को गुरु जी मेरे को केवल क्या दिख रहा है, चिड़िया की आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। कि देख तेरे को टहनियां दिख रही है, नहीं दिख रही है, चिड़िया दिख रही है, नहीं दिख रही है, क्या दिख रहा है, चिड़िया की आंख दिख रही है। कि तेरे बेटा लगा निशाना, और अर्जुन ने निशाना लगाया और सीधा चिड़िया की आंख में। तो बेसिकली क्या है, हमारा क्या क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है। तो आप ध्यान रखना, यदि किसी ने अभी डिसाइड नहीं किया है कि क्या करना है, तो डिसाइड कर लेना कि मुझे लाइफ में क्या करना है।